हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं कैरामल कस्टर्ड। तो आपको सबसे पहले आधा लीटर दूध ले लेना है और ये वाला कैरामल का पैकेट लेना है, ठीक है। मैं यही वाले कैरामल पैकेट से कैरामल कस्टर्ड बनाती हूँ। अब आप कौन से वाले से बनाते हो आई डोंट नो, बट इसके पीछे इंस्ट्रक्शन स्टेप सब लिखे होते हैं और आपको कोई भी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये पैकेट और आधा लीटर दूध लेना है। वो पैकेट के अंदर आपको ये दो चीज़ें मिलेगी, ठीक है। एक पुडिंग, ये इसको पुडिंग मिक्स बोलते हैं, कैरामल पुडिंग मिक्स। और आपने ये जो एक सिल्वर पैकेट दिख रहा है उसमें पूरा पाउडर होता है, और ये जो होता है चॉकलेटी, उसको हमें जो भी पैन में हम प्लेस कर रहे हैं उसमें हमें लगाना होता है। सबसे पहले दूध को गर्म कर लेना है। जब दूध में हल्का हल्का बॉइल्स आने लग जाए, हल्का हल्का बॉइल्स इन अ सेंस कॉर्नर्स पे जब आप बॉइल्स देख सकते हो इस तरह आ गए, मतलब अब बस दूध बॉयल होने वाला है, उस टाइम पर आपको ये जो सिल्वर कलर का पैकेट है ये पूरा इसमें डाल देना है, ठीक है। ये पूरा पैकेट इसमें हमने डाल देना है। उसके बाद जब हम ये पूरा पैकेट इसमें डाल दिए तो स्पून से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। फिर इसे हमें कम से कम 3 मिनट तक स्लो पर इसी तरह मिक्स करना है। मेक श्योर करना है कि ये बाहर ना गिरे, बल्कि हमें स्पून को स्टीट करते रहना है, कंटिन्यूसली हमें इस तरह से इसे मूव करते रहना है, ठीक है, ताकि जो लमसम्स वगैरह कुछ ना बन जाए और पार्टिकल्स जो हमने पाउडर डाला है वो नीचे स्टिक ना हो जाए, इसलिए हम इसे कंटिन्यूसली स्टीर करते रहेंगे। सो एटलीस्ट फॉर 3 मिनट हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। और दूसरे टाइम दूसरे साइड पे हमें ये करना है कि हम जो पैन यूज़ करने वाले हैं उस पर हमें वो चॉकलेटी जो है उसे पूरी तरह से उसमें अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब ये जब 3 मिनट पक जाएगा उसके बाद हमें इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर कोई भी ढक्कन से ढाक दो या फिर साइड में रख दो, ताकि ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए, ठीक है। अब ये कोई भी हम आपको अगर छोटे छोटे कप्स में बनाना है तो आप छोटे छोटे कप्स में बनाओ, और एल्स इस तरह से इसे आपको बड़े से कोई जार में अगर आप बनाने सोच रहे हो तो उसमें बना के इस तरह से पूरा अप्लाई कर लेना है। फिर जो हमने कैरामल रखा है इसे थोड़ी देर के लिए लाइक कम से कम 4 या 5 मिनट ऐवे ही रख देना है, मतलब इसे गैस पे बंद करके रखना है, और उसके बाद इसे उस जार में जिसमें हम रख रहे हैं उसमें प्लेस कर देना है, उसमें हमें डाल देना है, और इसको थोड़ी देर ही बाहर रखेंगे। कम से कम 4 to 5 मिनट्स या 5 to 8 मिनट्स हमें इसे बाहर रखना है, उसके बाद हमें इसे फ्रीज़ कर देना है। डीप फ्रीज़र में नहीं डालना है, आपको इसे फ्रीज़ करने नीचे डाल देना है और इसे रखना है। इस तरह से ये बन जाएगा, कम से कम 3 to 4 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप इसे खा सकते हो। तो ये जम गया है, अब आपने इसे निकालना है और खाना है। सो ये बहुत टेस्टी होता है। सो इफ़ यू गाइस लाइक माय वीडियो, मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो टना, बाय बाय।